Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Today we are going to learn about gravitation. ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले, ग्रेविटेशन बेस्ड MCQ करेंगे. बराबर, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में रिपीट हो चुका है वो सब क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. अ डैश 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 इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज फोर्स, बी इनर्शिया, सी मोमेंटम एंड डी इज मोशन. करेक्ट आंसर इज फोर्स. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द डैश डैश डैश. ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी टुवर्ड द पोल, ऑप्शन डी इलिप्टिकल. ऑप्शन डी इज करेक्ट, इलिप्टिकल. थर्ड क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ इट पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश 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 ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी क्यूब एंड ऑप्शन डी इज क्यूब रूट. ओके, द करेक्ट आंसर इज क्यूब. ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ दोज बॉडी एंड इट डैश 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 ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन देम. ऑप्शन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ऑप्शन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, ऑप्शन डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट. करेक्ट आंसर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट, द फोर्स इज विच फोर्स इज मच बिगर देन द अदर फोर्स इन नेचर. ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन सी न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन डी इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स. करेक्ट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर एक्सलरेशन जी इज फर्स्ट हाइएस्ट एट द पोल, ऑप्शन सेकेंड हाइएस्ट एट द इक्वेटर, ऑप्शन सी थर्ड सेम एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी लोएस्ट एट द पोल. करेक्ट आंसर इज हाइएस्ट एट द पोल. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन इज डैश 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 एट द इक्वेटर. ऑप्शन ए 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट आंसर इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट, द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन फर्स्ट ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी इज वैक्यूम, ऑप्शन सी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर इज वैक्यूम. नेक्स्ट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ. ऑप्शन ए इज 1/6, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 1/2 एंड ऑप्शन डी इज 2.6. द करेक्ट आंसर इज 1/6. अ पर्सन वेट 60 न्यूटन ऑन अर्थ फुल स्टॉप इज वेट ऑन द मून विल ए 360 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 6 न्यूटन, डी 10 न्यूटन. करेक्ट आंसर इज 10 न्यूटन. सारे एमसीक्यू आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि बोर्ड के बेसिस पे एमसीक्यू दिए हैं. ठीक है, और बोर्ड में आने का इनका ज़्यादा चांसेस भी है, तो आप सब एमसीक्यू एक बार देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए. ओके, हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू वीडियोस आते रहेंगे. ओके, अभी आज फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर दिए हैं. और अगर आपको ऐसे एमसीक्यू चाहिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और फॉलो मतलब जितने 10th के बच्चे हैं उन सबको भेज दीजिए कि वो भी उनका कुछ भला हो पाए.